नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मतलब आप सभी को मालूम है 22 तारीख का एग्जाम हो चुका है पहले शिफ्ट का। तो दोस्तों इसी के आधार पर हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे आने वाले एग्जाम के लिए तथा आने वाले शिफ्ट के लिए कि क्या इसका सेफ स्कोर रह सकता है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो इस हिसाब से आपको जिसके आप देख सकते हो 22 तारीख को जो भी क्वेश्चन आए थे वो यहाँ पे मतलब आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो आप। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे आइडिया कि आप कितने स्कोर लेके चले कि जिससे कि आपको इतने मतलब सेफ रहे आप मतलब इस एग्जाम के फाइनल सिलेक्शन के हिसाब से। तो वेल, जैसे कि दोस्तों आपने अभी जीके के क्वेश्चंस देखे, तो क्वेश्चंस का लेवल दोस्तों यहाँ पे इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, उनको हार्ड लेवल नहीं है। थोड़ी सी पढ़ाई में आपका सिलेक्शन होना होगा नहीं है, लेकिन अगर आपने एवरेज पढ़ाई की है इसकी तो हाँ, कहीं ना कहीं आपके चांसेस बन सकते हैं इस एग्जाम को पास करने के लिए। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जैसे कि आपको शो हो रहा है, ब्लड रिलेशंस के अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, पैराग्राफ, कॉन्क्लूजन्स, लॉग्स, डाइस के दो स्लाइड्स कॉमन होती है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ लिए। इसी हिसाब से नंबर सीरीज, कोई सीरीज ज़्यादा वो मोर मतलब इजी लेवल की आ रही है दोस्तों, ये मान के चलिए आप। ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि पहले इंटू हो रहा है फिर ऐड हो रहा है ऐसे कुछ। इसके अलावा ओड वन आउट आ रहा है फिगर में, इजीली कर लोगे आप। इसके अलावा मैथमेटिकल फिगर कुछ आ रहे हैं, तो इस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल, ये भी रीजनिंग का ऐसा ही है, मतलब ज़्यादा मॉडरेट नहीं दिया इसने। वहीं अगर बात करूँ यहाँ पे अदर जीके के क्वेश्चन के, आप देख सकते हो सारी स्क्रीन पर मुहावरे, आप हिंदी में पढ़ के जाना हिंदी वाले को, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे दोस्तों थोड़ा बहुत उलझन हो सकती है आपको। तो इस हिसाब से आप थोड़ा तैयारी करके जाइए हिंदी की, जिससे कि आपको हो सकता है कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाए अगले शिफ्ट में। ये मतलब मान के चलिए आज जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था वही अगले शिफ्ट का होगा दोस्तों, ये मान के चलिए आप। तो वेल दोस्तों, आगे मेरा यही सजेशन है कि आप अब जो शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है अगले शिफ्ट में या अगले दिन, तो आप ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने अटेम्प्ट। अगर दोस्तों आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ही आपके मतलब चांसेस बनेंगे सेफ रहने के दोस्तों, क्योंकि आपको सभी को मालूम है यहाँ पे मतलब 100 के 100 क्वेश्चंस तो आपके राइट होने नहीं है, कुछ है गलतियाँ सबसे होगी। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर 100 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलोगे तो आप सुपर सेफ रहोगे, ये मान के चलिए। वेल दोस्तों, आगे आने वाले शिफ्ट में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे डिटेल में आपके। इसके अलावा दोस्तों अगले दिन हम मतलब कल शाम को आपको डिटेल में ये बताएंगे कि कितने छात्रों ने क्या क्या कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्या क्वेश्चंस उनको गलत लगे, कौन से क्वेश्चंस पे उनको आपत्ति है। तो उस हिसाब से सारा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज़ और नोटिफिकेशन मिलती रहे।